Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। घटिया आयात पर अंकुश लगेगा तांबे के उत्पादों को, ड्रम के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड। सब्जियों की सप्लाई डिमांड से कम, इससे बढ़ रही कीमतें। रिजर्व बैंक और सरकारी अधिकारी सब्जियों की कीमतों में मौसमी उछाल को क्षणिक कहकर टाल सकते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में सब्जियों के भाव लगातार बढ़े हैं। इसके चलते सरकार और रिजर्व बैंक को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूत होना पड़ सकता है। सोमवार को आई क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अब नॉनवेज दालें, फल और सब्जियों की ज्यादा खपत कर रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सब्जियों की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा है, ऐसे में कीमतें लगातार बढ़ना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन में सामान्य अस्थिरता और सप्लाई डिमांड का संतुलन बिगड़ने से हाल के वर्षों में सब्जियों की कीमतों में बेमौसमी बढ़ोतरी आम हो गई है। ये चिंता की बात इसलिए है कि फूड इंडेक्स में इसका वेटेज 15.5% है, जो अनाज और दूध के बाद सबसे ज्यादा है। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तांबे के उत्पादों, ड्रम और टीन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 20 अक्टूबर को दो अलग अलग अधिसूचनाएं ड्रम व टीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 और तांबा उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 जारी किए गए। इन दो आदेशों के तहत वस्तु का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS का चिन्ह न हो। DPIIIT ने कहा कि ये आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने पर प्रभावी होंगे। तांबे तथा इसके मिश्र धातुओं का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, बिजली पारेषण, दूरसंचार, विद्युत सर्किट और कई उपकरणों में किया जाता है, इसलिए तांबे के उत्पादों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए और किसी भी कीमत पर शुद्धता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू सामान एवं स्टेशनरी विनिर्माता सेलो वर्ल्ड लिमिटेड ने अपने 1900 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के लिए 617 से 648 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। सेलो वर्ल्ड का IPO 30 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। यह निर्गम पूरी तरह से बिक्री पेशकश OFS पर आधारित होगा और इसमें प्रवर्तकों एवं मौजूदा शेयर धारकों के पास मौजूद शेयरों की बिक्री की जाएगी। इसमें किसी तरह के नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। कंपनी के शेयर BSE और NSE में सूचीबद्ध किए जाएंगे। सेलो वर्ल्ड के देश भर में 13 विनिर्माण संयंत्र है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में कंपनी का शुद्ध लाभ 30% बढ़कर 285 करोड़ रुपए रहा था। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि एक विशेष अभियान के तहत कबाड़ का निपटान करते हुए उसने 28.79 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। मंत्रालय ने कबाड़ का निपटारा करने के दौरान करीब 50.59 लाख वर्ग फुट जगह को भी खाली कराया है। इस अभियान के तहत 1,08,469 फाइलों की अभी तक समीक्षा की गई है और 8,088 फाइलों को नष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 80,305 ई फाइलों की समीक्षा के बाद 29,993 ई फाइलों को ऑनलाइन बंद भी किया गया है। भारतीय विमानन कंपनियां उड़ानों की बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाली सर्दियों में प्रति सप्ताह 23,732 उड़ानें संचालित करेगी, जो पिछले साल से 8% अधिक है। विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने अनुसूचित एयरलाइंस के लिए उड़ानों के शीतकालीन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र 29 अक्टूबर से अगले साल 30 मार्च तक चलेगा। हालांकि उस उड़ान कार्यक्रम में दिवाला समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही गोफर्स शामिल नहीं की गई है। उसकी उड़ानें 3 मई से ही बंद है और अभी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है। DGCA ने सोमवार को कहा कि शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 118 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 23,732 उड़ानें भरी जाएंगी। पिछले साल शीतकालीन सत्र में 106 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 21,941 उड़ानों का संचालन हुआ था। इस तरह साप्ताहिक उड़ान संख्या के मामले में इस साल 8.16% वृद्धि हुई है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। घटिया आयात पर अंकुश लगेगा तांबे के उत्पादों को, ड्रम के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड। सब्जियों की सप्लाई डिमांड से कम, इससे बढ़ रही कीमतें। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।